अस्सलाम वालेकुम यू ऑल, दिस इज़ फहद बेगा फ्रॉम जे एन डिवेलपर्स। और आज जिस हम प्रेजेंट की बात करेंगे वो है प्रेजेंट 30। फ्यू ऑफ द टॉपिक्स जो हम डाउन द लाइन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उनके मैं आपको कंटेंट बताता चलूँ। सबसे पहले वाई पी 30, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट स्टेटसेस, और उसके लिए विल गो इन टू द वर्चुअल ग्राउंड रियलिटी। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करेंगे थ्रू सम नंबर्स एंड डेटा कलेक्टेड। फिर हम लोग ग्रोथ रेट की बात करेंगे, उसके फ्यूचर परस्पेक्टिव प्रोजेक्शंस और फोरकास्टिंग की कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, उसके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट और उनके इवैल्यूएशन, और आखिर में सम ऑफ द अट्रैक्शंस एंड लैंडमार्क्स नियर इट। सो लेट्स मूव टू द प्रेजेंटेशन। वाई पी 30, सो लेट्स टॉक वाई पी 30। प्रेजेंट 30 इज लोकेटेड, जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं, 13 किलोमीटर फ्रॉम द मेन गेट, जो कि ऑलमोस्ट 12 से 13 मिनट की ड्राइव बनती है, एज यू कैन सी ऑन द मैप, विद ट्रैफिक और विदाउट ट्रैफिक। दिस प्रेजेंट इज ईजी टू एक्सेस, और इसका फ्रंट जिना एवेन्यू से कनेक्टेड है, वेयर एज द अदर टू कॉर्नर्स आर कनेक्टेड विद एवेन्यू 27, जो कि 120 फीट वाइड रोड है, और एवेन्यू 29, अगेन 120 फीट वाइड रोड। प्रेजेंट 30 इज ईजी टू एक्सेस फ्रॉम ऑल थ्री कॉर्नर्स, क्योंकि चारों तीनों तरफ जौन सी हैं वो आपकी मेन रोड्स लग रही हैं, जबकि द फोर्थ साइड इज कनेक्टेड विद P31, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 30% एरिया इज ऑल कवर्ड विद पीपल ऑलरेडी रेजाइडिंग। सो या इनडायरेक्टली और टेक्निकली वी कैन से दैट P31 इज गुड टू गो विद पीपल नाउ। नाउ फॉर डिवेलपमेंट स्टेटस, लेट मी टेक यू टू अ वर्चुअल वॉक थ्रू ऑफ प्रेजेंट 30, उसके बाद हम उसके डिवेलपमेंट स्टेटस की बात करते हैं। So here we are with Prism 30 satellite view, और कुछ देर में हम लोग इसके ground view और undeveloped area भी touch करेंगे, लेकिन एक from a high level perspective मैं आपको बताता चलूँ, ये avenue 27, this part is avenue 27, 120 feet wide road, this is avenue 29, और Prism 30 की main entrance लगती है जिना avenue से, और ये आपकी सारी पट्टी जो है जिना avenue के साथ चलते हैं for Prism 30। इसको अगर हम लोग लाइटर मोड पे लेके जाएं तो ये आपको डेवलपमेंट स्टेटस यहीं से अच्छी तरह पता लग सकते हैं। लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट स्टेटस जोन सा है बिल्कुल कंप्लीट है। बीपी पोल जोन से हैं वो डिप्लॉय हो चुके हैं, रोड जोन सी हैं वो कार्पेटेड हैं। ये जो डी शेप है, ये एरिया जोन सा है, ये प्रपोज हुआ हुआ है मस्जिद के लिए, पार्क के लिए और गैलरी के लिए। इटसेल्फ प्रेजेंट 30 में मोर देन हाफ अ डजन पार्क्स हैं, और उनकी भी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर नहीं तो स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर जो है डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। ये जो आप ये वाली साइड देख रहे हैं ये भी 100% डेवलप है, ऑल सेट रेडी टू पोजेशन, कार्पेटेड रोड्स एंड डीपी पोल्स डिप्लॉयड। जबकि आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं द लिटिल वाइट पोर्शन, ये मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ, प्रेजेंट 30 का सिर्फ ये वाला पोर्शन जो सा है ना स्टिल अंडर डिवेलपमेंट है, और इसके अलावा बाकी 70% ऑफ द प्रेजेंट जोन है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर्ड है, अंडरग्राउंड वायर्स लेड डाउन, इट्स जस्ट दैट रोड्स नीड टू बी कार्पेटेड और डीपी पोल्स जो है वो डिप्लॉय होना रह गए हैं। उसके अलावा टफ टाइल्स मुकम्मल हो चुकी हैं, ब्लेड मुकम्मल फिर चुका है, और प्रोजेक्शंस कहती हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जो है ना प्रेजेंट 30 100% कम्प्लीट हो जाएगा। लिहाजा ये कि डेवलपमेंट स्टेटस से इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चन इन माइंड जस्ट गिव मी अ कॉल और व्हाट्सएप मी एट 0307-888-0617, और ये नंबर आप स्क्रीन के नीचे भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंटेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। इसमें हम लोग बड़ा डीपली इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को स्टडी करेंगे, और दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द स्पार्क और जो इंटरेस्ट है लाइज इन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बिकॉज Prism 30 is at an ideal location, not very close to the stadium, yet not very far to the stadium. So, ये मैं समझता हूँ कि it lies at the central hub of the extremist and the minimalist. जी, after deployment status, let's straight jump into investment analysis. और आज के analysis में we are doing it as per June 2020 until October 2021. अच्छा, when we talk about investment analysis, this is the part that sparks the most interest in me, and also I need you to pay close attention to numbers and time tenure, because that's where things get exciting. Launching price for Prism 30 250 square yard plots 28 lakh
50,000, और उसके बाद अगर हम लोग प्राइस एनालिसिस देखें और उसका जंप देखें फॉर सितंबर 2020, वो दैट वेंट अप टू 34 लाख, दैट इज 3.4 मिलियन। एवरेज प्राइस जंप था, बेहतर था, फाइलों से अलॉटमेंट कंप्लीट हुई थी, प्लॉट नंबर्स आए थे, तो दिस जंप इज एक्सपेक्टेड। मगर अगर हम लोग उसके बाद सितंबर के बाद अब अगले क्वार्टर में ही देखें, एंड ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर जो कि दिसंबर 2020 बनता है, यहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक गेन देखते हैं, और वो हम लोग 17% ग्रोथ देख रहे हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 37,50,000। दिसंबर में P30 में डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका था, तो टेक्निकली आफ्टर 6 मंथ्स P30 वॉज ऑन ग्राउंड विद विदाउट कार्पेटेड रोड्स और DPP पोल्स इंस्टॉल। ये प्री डेवलपमेंट स्टेज का काम था एंड प्राइस इज एक्चुअली टुक अ मैसिव हाइट। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स इन जून 2021, ये सारी प्री डेवलपमेंट फेजों से था, जब ये कंप्लीट हो चुका था, DP पोल्स डिप्लॉय हो चुके थे, रोड्स कार्पेट हो चुकी थी, आप देख सकते हैं कि देयर वॉज अ मैसिव 37.5% ग्रोथ इन 6 मंथ्स फ्रॉम दिसंबर 2020 अंटिल जून 2021, एंड प्राइसेस वेंट अप एज हाई एज 60 लाख, दैट्स 6 मिलियन। ये जो मैं प्राइसेस आपको बता रहा हूँ, दिस इज एवरेज प्राइस कंटेनिंग द मिनिमम वैल्यू प्लॉट एंड द मैक्सिमम वैल्यू प्लॉट। लेकिन आप ये चीज नोट करें कि दिसंबर 2020 से जून 2021 तक, दिस इज 6 मंथ्स टेन्योर, इसमें आपका इस टाइम स्पैन में आपकी डेवलपमेंट स्टेजेस जो सी है ना, वो ऑलमोस्ट 70% तक कंप्लीट हो गई थी, जिसकी वजह से 37.5% तक का ग्रोथ मिला। आप इसको एज एन एनालिसिस परस्पेक्टिव अगर दूसरे नजरिए से देखें, तो ये भी कर सकते हैं कि बैंक जो है ना इन्वेस्टमेंट पे हमें प्रॉमिस करता है 7% एवरी ईयर, तो 37.5% इन कैपिटल गेन्स तक पहुंचने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी इन अ बैंक फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। जबकि इस इन्वेस्टमेंट में, P30 की इन्वेस्टमेंट में, लोगों ने 37.5% गेन्स हासिल किए सिर्फ 6 महीने में। जून 2021 के बाद हम लोग जाते हैं अगला क्वार्टर, एंड ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर जो कि सितंबर 2021, प्राइसेस वेंट अप टू 71 लाख, 71,50,000, जो कि दोबारा 7.7% गेन था। और दिस गेन इज एक्चुअली, यू कैन विटनेस दिस गेन क्वार्टर ओवर क्वार्टर, हाफ ईयर ओवर हाफ ईयर, एंड सितंबर के बाद जब अक्टूबर में देखते हैं तो अगेन दैट्स अ मैसिव हिट। और ये जो है ये मंथ ओवर मंथ की गेन्स है। तो बेसिकली इस एनालिसिस में हम लोगों ने क्लियर किया ईयर ओवर ईयर ग्रोथ, क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ और मंथ ओवर मंथ ग्रोथ। ये ग्राफ काफी, दिस इज प्रिटी एक्सप्लेनेटरी, हम लोग देख सकते हैं 2850 से शुरू होके दिस वेंट एज हाई एज 79 लाख, जो कि इसकी करंट प्राइस चल रही है, और यही ब्रैकेट है प्लस माइनस 1 मिलियन टू एनी कैटेगरी प्लॉट और द जनरल प्लॉट। जैसा कि हम बात कर रहे थे मिनिमम मैक्सिमम प्राइसेस की, एक दफा मैं आपको एक स्प्रेडशीट व्यू में उसका भी ओवरव्यू देता चलूं, ताकि यू हैव एग्जैक्ट नंबर्स इन माइंड। लॉन्चिंग प्राइस नो मैटर व्हाट इट रिमेन्स द सेम, 2850, और जो लो कैटेगरी प्लॉट्स थे, जनरल प्लॉट्स थे या कमर्शियल बैक के प्लॉट्स थे, टिल डेट आज के तारीख में जो उनकी ब्रैकेट प्राइस ब्रैकेट चल रही है, द मिनिमम यू कैन फाइंड इन प्रिसन 30 इज अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मिलियन। और उसके साथ साथ अगर हम लोग इसकी मैक्सिमम वाइड रेंज देखें कि प्लॉट्स कहाँ तक गए थे, तो टिल डेट ए जो चिना फेसिंग कैटेगरी का प्लॉट, कॉर्नर प्लॉट मिल रहा है आपको, वो अक्टूबर में आपको मिल रहा है तकरीबन 9 मिलियन का। ये एक दफा अगर हम लोग इसको डेमोग्राफिक व्यू में देखें, दिस एक्सप्लेन्स मोर एंड मेक्स मोर सेंस। जैसे अक्टूबर या सितंबर की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो मिनिमम कैटेगरी प्लॉट था दैट वेंट एज हाई एज 5.8 मिलियन, जबकि जो एक अच्छे लोकेशन पे टॉप हाइट पे प्लॉट था दैट वेंट अप एज हाई एज 85 लाख, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 8.5 मिलियन। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ रेट की, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। ग्रोथ रेट में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शंस की और फोरकास्टिंग की, और उसके बाद वजह जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा एक्सपेक्टेड क्यों है। ऑल दो वी डू हैव सम ऑफ द डेटा पॉइंट्स जिनको एनालाइज करके वी वेंट अप टू अक्टूबर, लेकिन
वी आर लुकिंग डाउन द लाइन फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स, जिसमें नेक्स्ट हाफ ईयर और आज का एक क्वार्टर लगेगा. बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद द ग्रोथ रेट, लेट मी अश्योर यू फ्यूचर फॉर प्रिसन 30 इज मोर सॉलिड देन द पास्ट. एंड रीजन बींग, क्योंकि ऊपर जैसा मैंने जिक्र किया कि P31 इज ग्रोइंग विद पीपल एंड पॉपुलेशन, पीपल आर कमिंग एंड रिजाइडिंग इन P31, एंड डिवेलपमेंट इज ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन, एंड डिप्लॉयमेंट फॉर गैलरी एंड नेसेसिटी इज ऑन द रॉक्स. तो पीपल आर इन्वेस्टिंग फॉर बोथ इन्वेस्टमेंट रीजन्स एंड टू बिल्ड अ हाउस फॉर देम. लिहाजा इससे हम लोग ये समझ सकते हैं, और जो कि पास्ट एक्सपीरियंसिस भी रहे हैं, प्राइसिस आर गोइंग अप फॉर द सेम रीजन्स, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि रेट्स आर स्टिल मेकिंग सेंस. ये बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री या अनजस्टिफाइड रेट्स नहीं है, द रेट्स आर एब्सोल्युटली मेकिंग सेंस. बट द टाइम आफ्टर कमर्शियल इज डिस्पर्स, एक दफा वो कमर्शियल एरिया जो सा है दैट्स बीन डिस्पर्स एंड एलोकेटेड, रेट्स एक बार फिर विल डेफिनेटली हिट अ हाई नंबर, जो कि एक्सपेक्टेड है बाई 25% अंटिल द एंड ऑफ नेक्स्ट थर्ड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, जो कि हम बात कर रहे हैं जून 2020 की. अगर आज की तारीख में हमें एक एवरेज मिड रेंज प्लॉट जो सा है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.75 मिलियन का मिल रहा है, दैट प्लॉट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप एज हाई एज 9.8 मिलियन बाय जून 2022. लिहाजा ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं इफ़ यू होल्ड अ प्लॉट फॉर अनदर ईयर और टू, और रिहाइश के लिए ये एक बेहतरीन प्रेजेंट है बिकॉज एवरी अदर प्लॉट इज रेडी फॉर पोजेशन. अनदर रीजन फॉर ग्रोथ इज के दिस प्रेजेंट इज फार येट वेरी क्लोज टू द इंटरनेशनल स्टेडियम एज डिस्कस बिफोर, जिसकी वजह से दैट विल रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी येट गिव यू एन इलीट फीलिंग ऑफ लिविंग नियर द स्टेडियम, एंड ऑल्सो देर इज अ ग्रे स्ट्रक्चर ऑलरेडी स्टैंडिंग नियर टू P30. मैं आपको मैप व्यू में दिखाता चलूँ कि रफी स्टेडियम दैट्स ऑलमोस्ट All completed in its grey structure. इसके अलावा ये कि प्रेसन 30 के opposite थोड़े से फासले पे a 5-star hotel with all international standards it's also constructed almost. अगर हम ये सारी चीजें analyze करें and give it a deep look, I know that you know you are looking at a very very competitive market in near future. I do have the data, you can see the data and you do the math. जी तो let's jump to the next topic, that is comparative analysis. जैसा कि ऊपर थोड़ा बहुत जिक्र हुआ कि P30 टचेस इट्स बाउंड्रीज टू P31 एंड P29 एंड अ वेरी लिटिल पोर्शन टू P36 एज वेल. जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारा जो एरिया है दिस इज प्रिसन 29, ये प्रिसन 30 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये प्रिसन 31 है जहां पे विला कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं और लोग यहां पे रिहाइश पजीर हैं, और ये जो पट्टी आप देख रहे हैं P31 से ऊपर दिस इज P36. बात आज हम बेशक प्रिसन 30 की कर रहे हैं मगर लेट मी अश्योर यू हर प्रिसन इज यूनिक ऑन इट्स ओन. P29 में जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है, वेयर एज P31 इज विला एंड 125 स्क्वायर यार्ड कटिंग. P36 की अगर बात करें इसमें 1000 गज और 500 गज की कटिंग है, और अगर रेट्स की बात करें तो 36 एंड 29 आर नॉट जस्टिफाइड एज ऑफ यट, क्योंकि ड्यू टू बिग प्लॉट साइज एंड प्रेजेंट आर नॉट इन वेरी मच रनिंग आइटम्स. लिहाजा ये कि दैट लीव्स अस ऑल अलॉन्ग विद प्रेजेंट 30. एक आइडियल कटिंग 250 स्क्वायर यार्ड की, उसके अलावा सराउंडिंग्स दैट इज टॉप नॉच, P31 100 दैट्स लाइक ऑपरेशनल, और विला प्लस 125 स्क्वायर यार्ड की कटिंग. सो दिस लीव्स अस टू अ 250 स्क्वायर यार्ड कटिंग फॉर P30 ऑल सराउंडेड बाय elite precincts. Rates आज की तारीख में बहुत हद तक stable हैं. Investment के लिए आज की तारीख बहुत ज़बरदस्त है because as far as I know there would be a news coming in very soon के P31 की gallery that's या almost completed या ready for possession, वहाँ पे जाके rates spike करेंगे. लिहाजा मैं ये समझता हूँ, आज पे मैं इस बात से जोर दे रहा हूँ, the gallery is still under construction, बैचिंग प्लांट आपके P30 की मॉस्क पे लग चुके हैं, थिंग्स आर प्रिटी लेड एंड गोइंग स्मूथ. सो इस वजह से जोर देने का मतलब है कि टुडे इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन P30. कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद लेट्स रियल क्विक जंप इनटू द लैंडमार्क्स एंड अट्रैक्शंस नियर टू P30. ये इस वजह से भी अनमोल प्रेजेंट माना जा सकता है बिकॉज ऑफ द फ्यू रीजंस. नाउ एवरी अदर थिंग आई वुड बी नेमिंग इज ऑलमोस्ट
अप टू 2 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम प्रेसेंट 30. नंबर वन इज आइफिल टावर, जो कि आप देख सकते हैं, दैट इज वेरी मच ऑपोजिट टू प्रेसेंट 30. उसके बाद गोल्फ अपार्टमेंट्स, वन ऑफ द इलीट लोकेशन इन बैरिया टाउन, एंड येट मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल हैविंग हाई पॉकेट्स आर मूविंग टू गोल्फ अपार्टमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट. उसके अलावा P29 के साथ ही बिल्कुल ये P28 में आप डांसिंग फाउंटेन्स, दैट इज द मोस्ट वैल्यूड अट्रैक्शन हियर इन बैरिया टाउन. P30 के सामने P26A, जहाँ पे आपका बैरिया कॉर्पोरेट ऑफिस है, दैट्स अप हिल एंड लुक्स ब्यूटिफुल. रफी स्टेडियम द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, दिस इज रफी स्टेडियम. लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट फॉर यू. अब ये जो सर्वे स्ट्रक्चर है, दैट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, इट्स जस्ट लाइक अ लिटिल फिनिश अप लेफ्ट. और इस स्टेडियम को कंप्लीट करने के बाद बैरिया वुड डायरेक्टली मूव टू दिस कमर्शियल एरिया. उसके बाद हम लोग रिहान हिल्स गोल्फ क्लब की बात कर सकते हैं, वो दैट इज ऑल्सो वेरी मच ऑपोजिट टू प्रेसेंट 30. लिहाजा दिस इज इफ यू बाय अ प्लॉट इन प्रेसेंट 30 ईदर फॉर इन्वेस्टमेंट्स और लिविंग पर्पसेज, लेट्स टॉक अबाउट लिविंग पर्पसेज फर्स्ट. आप 250 स्क्वायर यार्ड का घर, उसके बाद सराउंडेड बाय सच मैसिव लैंडमार्क्स एंड अट्रैक्शंस, दैट इज इटसेल्फ एन एलीट फीलिंग एंड a posh area to live in. And thank you so much for watching the video. And one more thing, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell icon for new updates. Thank you.